हैदराबाद में फलस्तीनियों की तायद में एहतजाज जारी है। पीर के दिन मदीना सर्कल के पास दरसगाह जहाद व शहादत ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया। इसराइली हमलों में फलस्तीनियों की हलाकत के खिलाफ DGS ने एहतजाज किया। DGS ने इसराइली अशिया का बॉयकॉट करने की अपील की। DGS ने गजा पट्टी में मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम की मजम्मत की है। एहतजाज करने वाले DGS के कायदीन और कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। DGS ने पुलिस के रवैये पर शदीद एहतजाज किया है। उन लोगों के मजलूम की आवाज़ के लिए हम लोग पीसफुल एहतजाज करने दे रहे हैं। जो है पुलिस हमको एहतजाज करने नहीं दे रही है। हम जो है पीसफुल एहतजाज करते हैं हमेशा। इधर एक इधर एक बात पुलिस को भी मालूम है। चल 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 पुलिस जो है हमको एहतजाज करने नहीं दे रही। फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पीसफुल हमारा एहतजाज था। यहाँ के हैदराबाद की पुलिस जो है सर पर सर हमको एहतजाज करने नहीं दे रही। हालांकि हैदराबाद की पुलिस वाकई हुई, हम जो है DGS की जानिब से पीसफुल एहतजाज करते हैं हमेशा। चले चलो DGS के एहतजाज के पेश नज़र मदीना सर्कल के पास ट्रैफिक जाम हो गई थी। हैदराबाद न्यूज़ urdu.com। हम लोग